हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या दोस्तों आप भी अपने व्हाट्सएप के पुराने चैट जो डिलीट हो चुके हैं उनको आप रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो खास करके मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या करना है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और शायद उब भी चुके होंगे कि आपका बैकअप नहीं हो पाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ सारा कुछ हकीकत दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे क्या होता है, जो भी रहेगा रियलिटी बताऊंगा। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मतलब हर एक पॉइंट जो रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए मेरा घर का एक नंबर है तो इसमें बहुत सारे मैंने चैट कर लिया है, ठीक है, और इस चैट को हम ऐसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर डिलीट का सिंबल दिखता है तो डिलीट पे क्लिक करके और यहाँ से डिलीट चैट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से देखिएगा, घर नाम से था यहाँ पे हट चुका है और इस तरह से पुराने मतलब बहुत सारे आपके चैट होंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट कुछ है यहाँ पे ऑफिशियली जो चैट होते हैं जिनको हम रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब डिलीट के बाद हमें क्या करना है मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ रिकवरिंग का, कैसे आपको ऐसे ऐसे आपको भी करना होगा। यहाँ पे कितना भी पुराना चैट हो कैसे रिकवर होगा आई आपको सारा कुछ सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किनारे पर यहाँ पर तीन डॉट दिखेगा, थ्री डॉट, ठीक है। तो आई चैट रिकवर की प्रक्रिया हमारी यहीं से शुरुआत हो जाती है, तो इस थ्री डॉट पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो किनारे पे तीन बिंदु इस पर क्लिक कर देंगे, एक ऑप्शन होगा यहाँ पर सेटिंग का, सेटिंग पर हम चले जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर ना, और चैट का, ठीक है, फिर अकाउंट का, बहुत सारे ऑप्शन हमको दिख जाते हैं लेकिन हमारे सामने एक ऑप्शन है चैट का, हम चैट पे क्लिक कर देंगे। चैट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ना चैट बैकअप का, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है आइए आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है बैकअप टू गूगल ड्राइव, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर मंथली पे क्लिक करके और यहाँ से आपको अपना एक जीमेल लेना है, जो जीमेल आपका मतलब आप जिसे यूज करते हो उसको ले लीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। देखिए मैंने ले लिया जीमेल और ओके भी कर दिया। कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, फिर जीमेल सेलेक्ट करने के बाद ना आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन फिर दिखेगा, नीचे एक ऑप्शन है इंक्लूड वीडियो, क्या आप बैकअप में वीडियो भी लाना चाहते हैं, यदि लाना चाहते हैं इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैकअप यूजिंग सेलवर है इसको रहने दीजिएगा। अब हम बैकअप पे क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे 100% प्रोसेसिंग चलेगा, हमारा बैकअप यहाँ से रिकवरिंग होगा। देखिए यहाँ पर हमारा 9:30 पे रिकवरिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। देखिए हमारा जो है 8.8 MB का टोटलिंग चैट है तो हमारा रिकवरिंग की प्रक्रिया चल रही है। अभी यहाँ पे हमारा 8 MB क्लियर हो जाएगा 100%, उसके बाद मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको चैट रिकवरिंग का प्रक्रिया बताऊँगा, ठीक है। 100% जो ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी है, हम दोस्तों हमारे चैनल पे जितनी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सब ओरिजिनलिटी वीडियो ही बताता हूँ, तो जो रियलिटी है जैसे रियलिटी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है ना। देख सकते हैं मेरा चैट बैकअप यहाँ से चल रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारा चैट बैकअप हो रहा है, बस प्रतीक्षा करते हैं, इसको 100% करते हैं, फिर आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है, 8.8 MB का था। अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। और बैक आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ऐसा पेज आ गया और अब हमें क्या करना है, वापस से ना अपने सभी के फ़ोन में एक ऑप्शन रहता है, गूगल नाम से एक फाइल बनी रहती है, इसमें जाना है और इसमें एक ऑप्शन दिखता है ड्राइव का, यही गूगल ड्राइव होता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आपको उसी जीमेल को सेलेक्ट करना है जिस जीमेल को आपने बैकअप में दिया था। तो हमने यह वाला जीमेल अपना दिया था तो मैंने इस जीमेल को यहाँ से ले लिया और यहाँ पे जीमेल लोडिंग चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किनारे पर तीन लाइन दिखेगा, इस तीन लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकअप्स का, तो हम बैकअप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे बैकअप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने व्हाट्सएप का बैकअप ले रखा है 9:32 में, देख सकते हैं टाइम ऊपर भी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे मेन कहानी हमारी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ऐसे दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तो एक ऑप्शन दिख जाता है ऐप इन्फो का और शेयर का, किसी किसी फ़ोन में आई बटन होता है, किसी किसी में ऐप डिटेल नाम से ऑप्शन होता है। आपको क्या करना है, इसी ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा स्टोरेज का, तो स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके हमें ओके कर लेना है। बस हमारा काम हो गया और वापस से अब आ जाएंगे बैक और अपने व्हाट्सएप को हम
क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें अपना भाषा लेना है, तो हम अपनी इंग्लिश भाषा को ले लेते हैं और लेने के बाद यहाँ पे इसी पे इंग्लिश पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ से दे देना है, देने के बाद नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करना है। आइए मैं भरता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना नंबर भर दिया, नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक किया और यहाँ से नंबर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो मैं ओके कर देता हूँ और हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, मैं वेरीफाई विथ एसएमएस पे क्लिक करता हूँ। हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी को हमें यहाँ पे भर देना होगा, उसके बाद हम वेरीफाइड हो जाएंगे। हमारी ओटीपी आ चुकी है यहाँ से, तो हम भर देते हैं और यहाँ पे भरने के बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और जैसे भर दिया मैंने, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। मैं मेन ट्रिक्स यहीं पे लगाना है दोस्तों, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग जब यह पेज आता है ना तो इसे नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नॉट नाउ पे नहीं क्लिक करना है, हम लोगों को ना यहाँ पर कंटिन्यू पे जाना है, ठीक है। आई मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, जो परमिशन मांगे इसे अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लुकिंग फॉर बैकअप्स इस तरह से ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। यदि आपका जीमेल चुनने का ऑप्शन आए तो आप उसी जीमेल को चुनिएगा जो वाला जीमेल अभी आपने बैकअप के रूप में ले रखा था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, स्किप का, रिस्टोर का, तो आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैकअपिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा सारा कुछ रिस्टोर होने लगा है, ठीक है। देखिए हो चुका। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर लेते हैं और अपना नाम दे देते हैं, जो नाम आपने ना वहां पर भरा था पुराने वाले अकाउंट में, दे दिया हमने और नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे नेक्स्ट वाली बटन पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया पेज वापस से आ जाएगा, अभी आप देख पाएंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग चल रहा है और थोड़ा सा हम प्रतीक्षा करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और हमारा सारा चैट बैकअप लिया जा रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा चैट था ना वो बैकअप के रूप में ले लिया गया है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा घर वाला चैट था वो यहाँ पर नहीं आया, जैसा आप लाइव प्रूफ के साथ देख पा रहे हैं। कुछ हकीकत आपको बताना चाहूँगा, जैसे सब लोग यह तरीका बताते हैं कि ऐसे चैट का बैकअप लिया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं पल भर की खुशी दे सकता हूँ कि आपका मैसेज ऐसे रिकवर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा और आप इस तरह से 10 वीडियो देखेंगे, परेशान होंगे, लेकिन आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूं, हो सकता है आपको बुरा भी लग सकता है, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हकीकत बताऊंगा, क्योंकि आप यहां पे एक बार जब हकीकत जान लेंगे तो 10 जगह परेशान नहीं होंगे और यहीं से आपको ओरिजिनलिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने घर वाले चैट को डिलीट कर दिया था, ठीक है ना, और उसके बाद हमने यहां पर 3 डॉट पे गया था और सेटिंग में गया था और हमने गया था चैट्स पे और यहां पे बैकअप वाले ऑप्शन को मैंने ऑन किया था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले व्हाट्सएप वाले चैट वाले बैकअप को ऑन किया रहा होगा। यदि आप पहले बैकअप ऑन किए रहेंगे तब ना बैकअप ले पाएंगे। मान लीजिए एक साल पहले का हमें चैट चाहिए और मैंने बैकअप लिया ही नहीं था, तो बैकअप दोस्तों कहाँ से मिलेगा। हकीकत यह है, बहुत सारे लोग फर्जी स्क्रीनशॉट वगैरह जोड़ के दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया, वहाँ पर आ गया, लेकिन हकीकत यह है कि जब से आप चैट बैकअप में आकर और यहाँ पर अपना जीमेल और यहाँ पर इंक्लूड वीडियो वाला ऑप्शन और यहाँ से बैकअप, जब तक यहाँ पर मंथली इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और मंथली बैकअप लेंगे नहीं, तब तक आपका वहाँ पर बैकअप मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब तब तक आपका चैट कवर होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने लाइव दिखाया था, घर वाला चैट डिलीट किया था और देखिए उसके बाद मैंने बैकअप लिया था, तो घर वाला नहीं है, बकिया सब आ गया जो मैंने बैकअप के रूप में लिया था। यदि आप एक साल पहले बैकअप लिए होंगे और अपना पुराना वाला जीमेल याद होगा तो लॉगिन करके आप पुराने वाले जीमेल से बैकअप लीजिएगा तो हो सकता है आपका आ जाए, लेकिन आपने बैकअप लिया होगा तब। नहीं लिए होंगे दोस्तों बैकअप तो आपका चैट 100% यहाँ पर रिकवर नहीं होने वाला है। जो हकीकत सच्चाई थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों, इधर उधर वीडियो देख के आप परेशान मत होइए, यदि आप बैकअप लिए रहेंगे तभी बैकअप यहाँ पर आता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप नाराज तो होंगे लेकिन ओरिजिनलिटी मैंने बताया है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।